दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के हर सीजन में कई बड़े खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल करते हुए आ रही है। अब यह टीम आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की तैयारियों में लग चुकी है और आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कई बड़े खिलाड़ियों को टारगेट करके अपने स्क्वाड में शामिल करने वाली है। तो ऐसे में कौन कौन से वो पाँच बड़े खिलाड़ी हैं जिन पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की निगाहें पूरी तरह से टिकी रहेंगे और उन खिलाड़ियों को टारगेट करके अपने टीम में शामिल करेंगे, उन पांच खिलाड़ियों के बारे में वन बाय वन करके जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों, आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट का सबसे पहला जो नाम है मिचेल स्टार्क का, मिचेल स्टार्क जो कि एक बेहतरीन फास्ट बॉलर है। आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क बने थे जिनको कोलकाता नाइट ने लगभग 25 करोड़ रुपीज में अपने टीम में शामिल किया था। तो ऐसे में आईपीएल 2025 से पहले कोलकाता नाइट मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी और मिचेल स्टार्क आईपीएल 2025 के मेगा ऑप्शन का पार्ट बनेंगे और मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की निगाहें पूरी तरह से मिचेल स्टार्क पर टिकी रहेंगे और मिचेल स्टार्क को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टारगेट करके अपने टीम में शुमार कर सकती है और आईपीएल 2025 में मिचेल स्टार्क रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जबकि दूसरा जो नाम है केएल राहुल का, केएल राहुल अगर आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का पार्ट बनते हैं तो मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु केएल राहुल को टारगेट करके अपने टीम में शुमार कर सकते हैं और आईपीएल 2025 में नया कप्तान केएल राहुल जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बन सकते हैं। वहीं तीसरा जो नाम है नीतीश राणा का, नीतीश राणा जो आईपीएल 2023 में केकेआर की कप्तानी की थी लेकिन आईपीएल 2024 में इनका प्रदर्शन उतना बेहतरीन नहीं रहा था। ऐसे में आईपीएल 2025 से पहले केकेआर जो है नीतीश राणा को रिलीज करेगी और ये मेगा ऑक्शन का पार्ट बनेंगे और मेगा ऑक्शन में नीतीश राणा के ऊपर पूरी तरह से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को एक बेहतरीन इंडियन टॉप बैट्समैन की तलाश है जिनमें सबसे बेहतरीन नीतीश राणा इस टीम के लिए ऑप्शन बन सकते हैं और नीतीश राणा को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है टारगेट करके अपने टीम में शामिल कर सकती है और ये आईपीएल 2025 में चार या फिर पांच नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। चौथा जो नाम है राहुल चेहर का, जो कि एक बेहतरीन इंडियन स्पिनर गेंदबाज है, आईपीएल में इनका प्रदर्शन काफी जबरदस्त रहा और आईपीएल 2025 में राहुल चेहर पर पूरी तरह से निगाहें टिकाई रहेंगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक बेहतरीन इंडियन स्पिनर गेंदबाज की तलाश है। जब से युजवेंद्र चहल इस टीम को छोड़ा है तब से इस टीम को एक बेहतरीन स्पिनर नहीं मिला, तो ऐसे में राहुल चेहर को यह टीम आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में टारगेट करेगी और अपने टीम में शामिल कर लेगी। जबकि पांचवा जो नाम है रोहित शर्मा का, रोहित शर्मा अगर आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का पार्ट बन जाते हैं तो मेगा ऑक्शन में इन पर कई टीमें करोड़ों की बोली लगाने के लिए तैयार रहने वाली है जिनमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु भी इन पर काफी बड़ी बोली लगा सकती है और रोहित शर्मा के ऊपर सबसे बड़ी बोली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु लगाकर अपने टीम में शामिल कर ले। अगर रोहित शर्मा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का पार्ट बन जाते तो डेफिनेटली ये आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तानी भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहो पांच बड़े खिलाड़ी जिनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सबसे पहले टारगेट करेगी। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जिनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने स्क्वाड में शामिल कर पाएगी, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, बताने अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।